उसके लिए जान दे सकता हूं, दूध दे सकता है, दुआ आज इंतजार और दूध दोनों खत्म होंगे। क्या दिलवाले 2 में फिर से नजर आएंगे अजय देवगन? क्यों नहीं टिक पाते बड़े बड़े सितारे अजय के स्टारडम के सामने, और क्यों दिखाया गया था अजय को थोड़ा सा मेंटली चैलेंज्ड? नमस्कार दोस्तों, मैं साथी और बॉलीग्राड स्टूडियो के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत स्वागत है। कैसे हैं आप लोग? मुझे यकीन है कि अच्छे होंगे, और अच्छा होना भी चाहिए। तो दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं फिल्म दिलवाले की। अजय देवगन की सुपर डुपर हिट फिल्म ने बॉलीवुड में अपने 27 साल पूरे कर लिए हैं। इस फिल्म ने न जाने कितने सारे रिकॉर्ड्स तोड़े थे, और इस फिल्म में अजय के साथ साथ सुनील शेट्टी और रवीना टंडन भी थे। इस फिल्म की एक्टिंग और एक्टर को छोड़ दे तो इस फिल्म के गाने भी सुपर डुपर हिट हुए थे। एक एक गाना लोगों को इतना पसंद आया था कि बहुत वक्त तक लोगों की जबान पर रहा था। जब भी हम अजय का नाम लेते हैं तो एक गंभीर से पर एक बेहतरीन कलाकार की छवि हमारे सामने आ जाती है। एक ऐसा स्पेशल फैन क्लब है उनका, जो उनकी फिल्मों के लिए काफी क्रेजी रहता है, और अजय भी अपने फैंस को कभी डिसअपॉइंट नहीं करते। एक के बाद एक सुपर डुपर हिट फिल्में ही लेकर आते हैं। अब अगर हम अजय की बात करें तो उनकी जर्नी काफ़ी इंटरेस्टिंग रही है, और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं उनकी एक पाथ ब्रेकिंग मूवी जिसका नाम था दिलवाले। अगर हम अजय की बात करें तो उनकी जर्नी एक एंग्री मैन से कॉमेडी तक की रही है, एक्शन हीरो से कॉमेडी तक उन्होंने अपना एक सफ़र तय किया है, जिसके बारे में आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। दोस्तों, अजय देवगन को 2 नेशनल अवार्ड्स मिल चुके हैं, और उनका स्टारडम तो ऐसा है कि बड़े बड़े शाहरुख और सलमान भी उनके सामने कभी कभी फीके पड़ जाते हैं। तो आपको बता दें कि 1994 में आई इस फिल्म में अजय ने काफ़ी संजीदा कैरेक्टर निभाया था। उसके कैरेक्टर का नाम था अरुण। वो थोड़ा सा मेंटली चैलेंज दिखाया गया था, लेकिन जिस खूबसूरती से और जितनी महीनता से अजय ने ये रोल प्ले किया, वैसा कोई और एक्टर कर ही नहीं सकता था। उस वक्त ऐसे बहुत सारे कैरेक्टर्स उभर कर आए, लेकिन जितना ज़्यादा घर अजय की एक्टिंग ने हमारे दिलों में किया, वैसा कोई और एक्टर कर ही नहीं पाया। वैसे ऐसा दरअसल होता है कि अगर हम किसी एक्टर को एक रोल में देख लेते हैं तो उस जगह पर चाहे कितना भी फेमस एक्टर हो, हम दूसरे इंसान को नहीं देख पाते। ऐसा रिसेंटली एक टीवी सीरियल में भी हुआ था। अगर आप जानते हैं तो भाभी जी घर पर एक टीवी सीरियल है जो काफ़ी ज़्यादा फेमस है। इस कैरेक्टर में जो भाभी जी का रोल है, जो एक्ट्रेस पहले प्ले करती थी, उसे बाद में रिप्लेस किया गया, पर उतना मज़ा नहीं आया। तो इसी कारण अजय को ही उस रोल में देखना एक ज़रूरी चीज़ बन गई है, क्योंकि हम किसी और को वहाँ पर इमेजिन कर ही नहीं सकते। 1994 में आई इस फिल्म ने अजय ने थोड़ा सा मेंटली रिटार्डेड किरदार निभाया था, और इस फिल्म में उनके साथ रवीना टंडन और सुनील शेट्टी भी थे। इसके अलावा दोस्तों, अजय इस फिल्म से सुपर डुपर हिट एक्टर भी साबित हुए थे। लेकिन अब सबसे बड़ी और खुशखबरी वाली बात यह है कि अजय की इस फिल्म का सीक्वल बनने वाला है। जी हाँ दोस्तों, दिलवाले 2 बहुत जल्दी फ्लोर पर आने वाली है, और उससे भी बड़ी और इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस फिल्म में फिर से अजय देवगन वापस कर रहे हैं अपने उसी रोल के साथ, क्योंकि वैसे भी हम किसी और को उस रोल में नहीं इमेजिन कर पाते, तो अजय फिर से इस रोल में हमें दिखाई देंगे। हालांकि मेकर्स ने बाकी एक्टर से भी इस रोल के लिए बात की थी, पर जितना मज़ा और जितने कमाल से अजय इस रोल को प्ले कर सकते हैं, वैसा कोई और एक्टर नहीं कर सकता। तो फाइनली मेकर्स को रियलाइज हो गया कि अजय ही इस रोल के लिए सबसे सूटेबल रहने वाले हैं। हालांकि इस बार अजय वो मेंटली रिटार्डेड नहीं, बल्कि एक समझदार व्यक्ति की भूमिका निभाने वाले हैं। इस फिल्म के गाने के साथ साथ इस फिल्म के डायलॉग्स भी बहुत धांसू थे। इतने धांसू कि आप लोग लड़कों को ऐसे ही यहाँ वहाँ उन्हें कोट करते देख सकते थे। जैसे कि इस फिल्म में एक डायलॉग था जिसमें अरुण मामा ठाकुर को फ़ोन कर कहता है कि तुम अपनी हवेली के बाहर पहरा बढ़ा दो, तुमने मेरा घर जलाया है, मैं तुमसे जुड़ी हर चीज़ को जला दूंगा। मामा ठाकुर, मैं तुम्हें भी जला दूंगा। इसके अलावा एक सीन में दिखाया जाता है कि मामा ठाकुर से सईद जाफरी बात कर रहे हैं, जो कि कमिश्नर का रोल निभाते हैं, और कहते हैं कि मामा ठाकुर, हम एक ऐसी आंधी से लड़ रहे हैं जो कहीं भी कहीं से भी आ सकती है। तो इस फिल्म के डायलॉग सुपर डुपर हिट साबित हुए, और इतने ज़्यादा हिट हुए कि जब मूवी से पहले फिल्म के गाने रिलीज़ किए गए तो उसमें अजय के डायलॉग्स को डाल दिया गया। अजय की आवाज़ सुनने के लिए लोगों ने कैसेट्स खरीदना शुरू किया, और यहीं से कैसेट्स बनाने का ट्रेंड भी शुरू हुआ।
इसके साथ साथ इस फिल्म की लोकेशंस भी बहुत कमाल की थी। ये वो वक्त था जब बॉलीवुड में ऊटी में लोकेशन को शूट करने की ट्रेंड चल रहा था, तो इस फिल्म के भी काफी सारे गाने ऊटी में ही शूट किए गए हैं। इसके अलावा वो सीन जहां अरुण और शंकर की कॉल्स में लड़ाई हो जाती है, वो भी वहीं शूट किया गया था। इसके अलावा एक सीन जहां मामा ठाकुर रेड्डी से एक मर्डर के सिलसिले में मिलते हैं, उसे एक मुंबई के स्टूडियो में शूट किया गया है। और उसके साथ साथ वो सीन जहां पर रवीना और अजय एक मंदिर में मिलते हैं और पुलिस की एंट्री हो जाती है, उसे फिल्म सिटी गोरेगांव में शूट किया गया है। एक और इंटरेस्टिंग बात कि इस फिल्म में जो मंदिर दिखाया गया है भाई, वो काफी फेमस मंदिर है। बॉलीवुड से लेकर टीवी सीरियल्स तक आपने वो मंदिर कहीं ना कहीं जरूर देखा ही होगा। ये वही मंदिर है कि अगर आप बॉलीवुड या फिर अगर आप टीवी सीरीज देखते हैं, अगर आपको डेली सॉप्स में इंटरेस्ट है या कभी देखेंगे, तो किसी ना किसी सीरियल में तो ये मंदिर आपको दिख ही जाएगा। तो इतना फेमस रहा है ये मंदिर। तो अब जब इन लोगों की वापसी हो रही है, यानी कि अजय और रवीना फिर से इस फिल्म में रीयूनाइट करने वाले हैं, तो हमें यकीन है कि फिल्म सुपर डुपर हिट जरूर होगी। तो अब बहुत जल्दी ये फिल्म बनने वाली है और रिलीज होने वाली है। और सवाल ये भी है कि क्या अजय और रवीना के साथ सुनील शेट्टी भी इस फिल्म में नजर आएंगे, और क्या किसी नए एक्टर को इस फिल्म में जोड़ा जाएगा। इन सभी सवालों के जवाब लेकर मैं फिर से हाजिर होने वाली हूँ अगली वीडियो के साथ। तब तक आप लोग सिनेमा देखते रहिए और खुश रहिए। नमस्ते।